दोस्त, अगर आप अपने वाले में हीटिंग प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशानी, जब आप अपने वाले में गेम खेलते हैं मोबाइल हीट कर रहा है, इंटरनेट चलाते हैं मोबाइल हीट हो जाता है, थोड़ा सा नॉर्मल अपने मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं तब भी आपका मोबाइल गर्म हो रहा है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 सेटिंग बताऊँगा जिससे अपने वाले में करने के बाद दोबारा से कभी भी आपका मोबाइल हीट नहीं करेगा, गर्म नहीं होगा। जितना चाहे उतना आप गेम खेलो, इंटरनेट यूज़ कर लो, तब भी आपका मोबाइल हीट नहीं करेगा, पूरे तरीके से हमेशा के लिए हीटिंग प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, दोबारा से कभी भी आपका मोबाइल हीट करने का नाम तक नहीं लेगा। अगर आप जानना चाहते हो वो 3 सेटिंग है क्या जिससे अपने मोबाइल में करके हीटिंग प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व कर सको, कभी भी आपका मोबाइल गर्म होने का नाम तक ना ले, वीडियो को बिना उसके पूरे आखिर तक ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है, ज़रूर से वीडियो भी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। भाई दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा हीटिंग कर रहा है, गर्म हो रहा है, जब आप चार्जिंग पर लगा रहे हो तब भी आपका मोबाइल गर्म हो रहा है, तो मैं आपको 3 सेटिंग बताऊँगा जिससे मोबाइल में करने के बाद दोबारा से कभी भी आपका मोबाइल गर्म होने का नाम तक नहीं लेगा। भाई मैं आपको बता देता हूँ वो कौन से सेटिंग है। दोस्तों, आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन गेम डाउनलोड करती हो, प्ले स्टोर के अंदर आपको पहला सेटिंग करना है। प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए, ऊपर प्रोफाइल आइकन है यहाँ पर क्लिक करना है, नीचे ऑप्शन है सेटिंग्स, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक ऑप्शन है नेटवर्क प्रेफरेंस, ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, नीचे ऑप्शन है ऑटो अपडेट ऐप्स, ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप देखेंगे अपडेट ऑल ऐप्स ओवर वाईफाई और मोबाइल डेटा, इस पर यह सेट होगा। अगर इस ऑप्शन पर यह सेट रहता है तो मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में अपडेट होते हैं, जिस वजह से यहाँ पर मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म होता है और बैटरी भी जल्दी से खर्च होता है। तो नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन है डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स, ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है ताकि कोई भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली अपडेट ना हो। अगर आपको किसी एप्लीकेशन को अपडेट करना हो, मैनुअली प्ले स्टोर पर आकर उस ऐप को अपडेट कर सकती हो, ये सेटिंग आपको ज़रूर से करना है। अभी बढ़ते हैं दूसरा सेटिंग, यहाँ से पूरा बैक करना है, होम में आइए, दूसरा सेटिंग करने के लिए अपने मोबाइल में सेटिंग ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग ओपन करने के बाद जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, नीचे देखिए ऑप्शन है लोकेशन, लोकेशन आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर यह लोकेशन सेटिंग ऑन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है, ठीक है, कुछ हिडन सेटिंग यहाँ पर दो हैं जो आपको करना है। ये देखिए वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग, ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर देखेंगे वाईफाई स्कैनिंग सेटिंग ऑन होगा, ब्लूटूथ स्कैनिंग ये सेटिंग ऑन होगा, यानी मोबाइल में जितने भी आप इंस्टॉल हैं वो बैकग्राउंड में वाईफाई स्कैन करते रहते हैं, ब्लूटूथ स्कैनिंग होता रहता है, जिस वजह से मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हीटिंग इशू होता है और लैग करता है। आपको करना क्या है, यहाँ से वाईफाई स्कैनिंग, अगर आप चाहते हो आपका मोबाइल हीट ना करे, ये सेटिंग ऑफ करना है, वाईफाई स्कैनिंग ब्लूटूथ स्कैनिंग ये सेटिंग भी ऑफ करना है, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, ये बैकग्राउंड में स्कैन नहीं होगा, जिससे यहाँ पर आपका मोबाइल गर्म नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोसेसर के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है, ये स्कैन होता रहता है, जिस वजह से मोबाइल गर्म होता है। ये दोनों सेटिंग आपको ज़रूर से ऑफ करके रखना है। ये करने के बाद आपको यहाँ से बैक करना है, अगर आप चाहो यहाँ पर लोकेशन ये सेटिंग भी ऑफ रख सकते हो, अगर आप घर पे हो फिर इसे ऑन रखने की क्या ज़रूरत है, अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, इससे में आप ये सेटिंग ऑन रख सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप चाहो, वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप चाहो ये सेटिंग भी ऑफ कर सकते हो, ठीक है। ये करने के बाद अभी बढ़ते हैं तीसरा सेटिंग, और ये करने के बाद 100% आपका मोबाइल कभी भी गर्म नहीं होगा। तो मोबाइल में सेटिंग ओपन करना है, सेटिंग ओपन करने के बाद जैसे आप यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए सिस्टम सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए डेवलपर ऑप्शन, या फिर आपके मोबाइल में ऑप्शन होगा एडिशनल सेटिंग या फिर एडवांस सेटिंग, उसके अंदर आपको यह डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपके मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं है, कैसे ऑन करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ से बैक करना है, सेटिंग में आना है और यहाँ से अबाउट डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ऑप्शन है वर्जन, वर्जन के ऊपर क्लिक करना है, ऑप्शन है बिल्ड नंबर, अगर आप वन प्लस सैमसंग यूज़ करते हैं आपको ऑप्शन मिलेगा बिल्ड नंबर, अगर आप MI पोको वीवो ओफो यूज़ करते हैं तो ऐसे में आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा MIUI वर्जन, ठीक है।
तो इसके ऊपर आपको साथ बार टच करना, जैसे आप यहाँ पर साथ बार टच करेंगे पहले से हमारा डेवलपर ऑप्शन ऑन है, यहाँ पर देख सकते हो नो नीड यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर। ठीक है, तो यहाँ से बैक करना है, बैक करने के बाद आपको आना है सिस्टम सेटिंग के अंदर, डेवलपर ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है, स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। जैसे यहाँ पर नीचे आएंगे मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सा सेटिंग है, जैसे यहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, नीचे आपको आना है, देखिए ऑप्शन है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, यह ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखेंगे ये स्टैंडर्ड लिमिट पर सेट होगा, यानी आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन सेटिंग्स हैं वो बैकग्राउंड में प्रोसेस होते रहेंगे, जिस वजह से प्रोसेसर फ्री नहीं हो पाता है और प्रोसेसर यहाँ पर गर्म होता है, जिस वजह से मोबाइल भी गर्म होता है, डिस्प्ले गर्म होता है, चार्जिंग पर लगाती हो सभी मोबाइल गर्म होता है। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ, अगर आप 10 किलो वजन उठा सकती हो, अगर आपको दे दिया जाए 20 किलो या फिर 30 किलो तो क्या आप उसे उठा सकती हो? नहीं उठा सकती, क्योंकि आपकी जो कैपेसिटी है वो 10 किलो का है। अगर आप वहाँ पर 10 किलो से ज़्यादा उठाती हो तो ऐसे में आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। ठीक वैसे ही अगर ये स्टैंडर्ड लिमिट पर सेट रहता है तो सारे एप्लीकेशन सेटिंग यहाँ पर बैकग्राउंड में प्रोसेस होते रहेंगे, जिससे यहाँ पर मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म होता है, प्रोसेसर के ऊपर प्रेशर पड़ता है, फ्री नहीं हो पाता है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, नो बैकग्राउंड प्रोसेस ये आपको सिलेक्ट करके रखना, ताकि बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन या फिर सेटिंग प्रोसेस ना हो। जो एप्लीकेशन या फिर सेटिंग आप ओपनिंग करोगे सिर्फ उसी टाइम वो प्रोसेस होगा, उसके अलावा बाकी टाइम में ये बैकग्राउंड में प्रोसेस नहीं होगा, जिससे आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है ना, मोबाइल कूल रहता है, मोबाइल गर्म नहीं होता है। ज़रूर से आपको अपने मोबाइल के अंदर ये तीन सेटिंग कर लेना है, देखना आपका मोबाइल ज़िंदगी में दोबारा से कभी भी गर्म नहीं होगा, चाहे आपका मोबाइल एक सस्ता मोबाइल हो या फिर महंगा मोबाइल हो, किसी भी कंपनी का मोबाइल फ़ोन यूज़ करती हो, मोबाइल कभी गर्म होने का नाम तक नहीं लेगा। जरूर से अपने मोबाइल के अंदर ये सेटिंग कर लेना, 100% मैं गारंटी देता हूँ मोबाइल गर्म नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, जरूर से वीडियो पे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।